हे hey दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं पिछले जो तीन वीडियोस थे वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और उनसे जो आप पे कंसेप्ट क्लियरिटी होगी वो एकदम परफेक्ट होती गई होगी। चलो, आज हमें जहाँ बात करनी है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। फर्स्ट डे हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, सेकेंड डे हमने उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज ली थी, और जो हमारा तीसरा वीडियो था वो हमारा तीसरा वीडियो था कल स्पेसिफिक एंगल पर, जहाँ हमने टेबल्स बनाई थी और उसके कहीं कहीं वैल्यूज को निकाला था, इवेल्युएट करा था। आज बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अरे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? जिनका सम 90 डिग्री होता है। द एंगल्स विच हैव सम 90 डिग्री दैट आर नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैं थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तब जाके आपको क्लियरेंस हो पाएगा। 5 मिनट देखिए क्या मैजिक करने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। सब कुछ नया होगा और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, साइन चेंज होता है कॉस में। कैसे होता है मैं अभी करके बताऊंगा। टेन चेंज होता है कोट में, यानी कि ये इंटरचेंज होते हैं आपस में, और सेक चेंज होता है आपके पास वो होता है कोसेक में। किसे कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके पास, सीधे थोड़ी देर के लिए हम याद करते हैं फॉर्मूलेज। कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। पहला फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। कुछ फॉर्मूलेज पीछे थे, आज आपके पास ये और एड ऑन होते जा रहे हैं। कॉस बता दूंगा अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये सारे फॉर्मूलेज हैं, अभी हम इसका यूज करना सीखेंगे कि कैसे इनको हमने यूज लिया। फिर आता है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूले और हमारे साथ एड ऑन हो गए। कुछ फॉर्मूले फर्स्ट डे सीखे थे, कल एक टेबल सीखी थी, और ये 6 फॉर्मूले एड ऑन हो गए। सर अब ये अभी तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया? बिल्कुल आपके मन की बात को समझ सकता हूँ। जब तक हम यूज नहीं लेंगे तब तक क्लियरेंस नहीं आएगा। वन बाय मैजिक देखना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर जितना भी थीटा है ना, वो थीटा है एक्यूट एंगल। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल डिफाइन कर रहे हैं हम। देखिए क्या होगा, सबसे पहले मुझे साइन 30 डिग्री है इसको चेंज करना। देखो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, या कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। आप लोग ये इंटरचेंज करना है, आपको साइन को चेंज करना है कॉस में। किस में चेंज करना है? कॉस में चेंज करना है। अब कैसे चेंज करेंगे ये देखो। सबसे पहले जो साइन 30 डिग्री है उसको 90 की फॉर्म में मैनेज करो, साइन 90 माइनस 60 डिग्री। देखो क्लियर आपको क्या करना है, ये साइन 30 डिग्री था, ये आपके पास क्या था? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को क्या हम साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हैं? चेक कर लो, 90 माइनस 60 वापस क्या बनाता है? 30 बनाता है। तो साइन 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है मेरे पास? थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, और 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस 60, सो कॉस 60 लिख सकता हूँ क्या? थीटा की जगह 60 डिग्री आ गया। तो साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? इक्वल। भरोसा नहीं है आप लोगों को? चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने कल एक टेबल बनाई थी, जल्दी से उस टेबल को रिकॉल कीजिए, या फिर अपने पास सारे फॉर्मूलेज और टेबल्स आपके पास होनी चाहिए, जल्दी से वो टेबल निकालो और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। क्या साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होती है क्या उस टेबल में? देखो, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? अगेन 1/√2। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या क्या यूज करा। 30 और 60 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनका सम कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उसके बाद साइन या कॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं। साइन 30 हमेशा किसके इक्वल होता है? कॉस 60। आप टेबल में चेक कर सकते हो, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू इक्वल है। सर नहीं आया समझ में, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं ले रहा हूँ आपके सामने कॉट 30 डिग्री, इसको मुझे चेंज करना है 10 में। किस में चेंज करना है मुझे? 10 में चेंज करना है। सबसे पहले कोट 30 को क्या कोट 90 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो आप? यस सर लिख सकते हैं। 90 ये है थीटा, ये क्या है मेरे पास? थीटा।
तो कोट 90 माइनस थीटा, थोड़ी सी हेल्प कर दो, चीटिंग करते हैं, लिखे हुए फॉर्मूले, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो कोट 90 थीटा की जगह 60 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री, तो cot 30 और tan 60 आपस में इक्वल हैं, कैसे cot 30 की वैल्यू बताओ, टेबल में देखो, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ क्या cot 30 की वैल्यू 1 अपॉन खाली रूट 3 है क्या, और tan 60 की वैल्यू भी कितनी है रूट 3, आप देख सकते हो दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी कि cot 30 किसके इक्वल है tan 60 के इक्वल है। कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने आपको, सबसे फर्स्ट चीज कि sec 30 डिग्री इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो sec 30 को आप क्या sec 90 माइनस 60 डिग्री ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो सर, 90 माइनस 60 क्या बनाता है वापस 30 डिग्री बनाता है, तो यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा, अरे देखो तो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है शर्मा जी, इधर देखो sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, तो ये बनेगा आपके पास cosec थीटा, sec 90 माइनस cosec और थीटा की जगह कितना आ गया 60 डिग्री, आपके पास क्या आ गया आंसर। चलो sec 30 की वैल्यू जल्दी से टेबल में देख के बताओ, बताओ जल्दी sec 30 कितना होता है, sec 30 शायद 2 अपॉन रूट 3 होता है क्या, चेक करो, और cosec 60 कितना होता है, cosec 60 कितना होता है आपके पास, cosec 60 भी 2 अपॉन रूट 3 होता है, दैट्स ऑल, आपके sec 30 और cosec 60 की वैल्यू इक्वल होती, सर ऐसा थोड़ी ना होता है, आप तो हर बार 30 60 ले रहे हो, कोई और एंगल लेके बताओ, चलो और एंगल लेते हैं, आपके क्लियरेंस के लिए मैं काम करता हूँ sin 35 45 डिग्री ले लेता हूँ, हाँ इसको लिख सकते हो क्या sin 90 माइनस 45 डिग्री, देखो एंगल पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ से देखो 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 45, तो देख लो sin 45 और cos 45 की वैल्यू क्या है, सेम टेबल में देख सकते हो आप sin 45 cos 45 के इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 और इसकी वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2, कुछ क्लियर हुआ। अब देखो सबसे पहली चीज है, पहला कॉम्प्लीमेंट्रीज के ये फार्मूले हैं फंक्शंस के, उसके बाद कौन किस में कन्वर्ट होता है आपको ये पता होना चाहिए, कुछ एग्जांपल लूंगा तब आप एक वेरिफिकेशन आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज थे। अब सबसे पहले क्वेश्चंस पे मूव करता हूँ, आपके लिए अगर ये चीज अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मेरी गारंटी अपकमिंग 5 to 7 डेज जो होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री के उसमें आप बहुत ज्यादा परफेक्शन पे होंगे। चलिए तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके का है, उसने बोला इवेल्युएट साइन 31 डिग्री अपॉन कॉस 59 डिग्री, कुछ ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको क्या करना है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलो ट्राई करते हैं, देखो कैसे निकाल सकता हूँ इसकी वैल्यू, आपको देखो चेक करो पहले साइन कॉस पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, हाँ सर बिल्कुल है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये कोई फॉर्मूलेज नहीं, फॉर्मूलेज ही नीचे लिखे हुए हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है सर बिल्कुल, 31 और 59 कितने होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है क्या 90 डिग्री, यस सर, अब इसकी वैल्यू निकालनी, आपको किसी को भी एक को चेंज करना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, कैसे चेंज करोगे, साइन 31 है आप इसको लिख सकते हो क्या साइन 90 माइनस 59, ये हिंट नीचे दे रखा है इसने, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 31 का 59, तो मैंने इसको लिखा साइन 90 माइनस 59, आप चेक करो 90 माइनस 59 वापस क्या होता है 31 डिग्री, तो अपॉन नीचे वाला मैं एज इट इज लिख देता हूं साइन 90 माइनस 59 अपॉन कॉस 59, साइन 90 माइनस थीटा पहला वाला फॉर्मूला, 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं क्या कॉस 59 अपॉन कॉस 59, इससे ये कैंसल वन आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने, टेन 28 डिग्री, टेन 28 डिग्री अपॉन कोट 52 डिग्री, ये क्वेश्चन लिया मैंने आपके सामने, क्या हुआ देखो पहले टेन और कोट एक दूसरे के क्या है
क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके बाद 28 और 52 90 डिग्री, यानी कि हम यहाँ लगा सकते हैं। अब क्यों लगा रहे हैं, एक्चुअल में हमारे पास जो टेबल थी उसमें स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू थी, सारे एंगल की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम ये वे अडॉप्ट कर रहे हैं। 10 28 को एक को किसी को भी एक को चेंज करना, देखो मैंने साइन कॉस में से सिर्फ एक को चेंज करा, आप भी एक को ही चेंज करो। क्या इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 52, कैसे लिखा 90 माइनस 52 28 करो, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसको 90 में से माइनस कर दो और वो यहाँ लिख दो, 90 माइनस 28 कितना होता है 52, मैंने यहाँ लिख दिया, अपॉन कोट 52 एज इट इज कोट 52। थोड़ी सी हेल्प करो, फॉर्मूले से चीट करो, 10 90 माइनस थीटा, सॉरी ऐसा थोड़ी ना होता है, आप तो हमें चीट करना सिखा रहे, नहीं चीट करना नहीं सीख रहे हैं, एक्चुअल में हम प्रैक्टिस पार्ट पे हैं, हमें फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, जब तक आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे बहुत हम्बल, एक बार मेरे कहने पर सिर्फ आप इन फॉर्मूलेज को लर्न कर लो, फिर देखना आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री कितनी ईजी होती है। कोट 52, हाँ 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और थीटा की जगह कितना आ रहा है 52, थीटा की जगह कितना आ रहा है 52, तो आप इसको लिख सकते हो क्या कोट 52 अपॉन कोट 52, हो गया क्या, देखो ध्यान से कोट 52 से कोट 52 कैंसिल, आंसर कितना आया 1 आया। चलो थोड़ा सा और इसको अपडेट करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कोस 35 डिग्री इंटू कोसेक 55 डिग्री, हुआ क्या, चेक करते हैं इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इसकी वैल्यू क्या करनी है आपको इवेल्युएट करनी है, कैसे करेंगे कोई आइडिया बताओ। देखो सबसे पहले तो आप एक किसी एक को चेंज करो, आप किसी एक को चेंज कर दो, 35 और 55 का 90 हो रहे हैं, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि 35 और 55 क्या हो रहे हैं 90 हो रहे हैं, तो डेट्स ऑल, किसी भी एक को चेंज करो। अब हमें पता है कि कॉस और कोसेक में कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर फिर भी पहला प्रोसेस किसी एक को चेंज करो, मैं कॉस को चेंज कर रहा हूँ, क्या कॉस को आप 90 माइनस 55 लिख सकते हो क्या, और आगे कोसेक 55 डिग्री एज इट इज, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा, ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो साइन 50, क्योंकि थीटा की जगह कितना है 50 इंटू कॉसेक 55। आप फर्स्ट डे मूव करो, फर्स्ट डे को मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जहां तक मेरे को याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो वन अपॉन क्या होता है कोसेक थीटा, बस थीटा की जगह 55 है, क्या इस साइन को, सॉरी वन अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा क्या होता है बताओ, अरे बताओ साइन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोसेक थीटा, तो इसकी जगह आप लिख लो साइन कॉस वन अपॉन कोसेक 55, लिख सकता हूँ ना साइन थीटा इक्वल्स टू वन, तो साइन की जगह लिख दिया इंटू कोसेक 55 डिग्री एज इट इज, कोसेक से कोसेक कैंसल इक्वल्स टू वन आंसर, कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स रहने बाकी है, आप इनिशियल लेवल पे हो, प्लीज एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप एक बार इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, से थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, इतनी देर हमने बहुत इजी लेवल पे ट्राई किया, थोड़ा सा इस लेवल को हम अप करते हैं। देखो कैसे करेंगे, अब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कुछ इस टाइप में, साइन 35 डिग्री, मैं इसको हटा रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन है साइन 35 अपॉन कोस 55 का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 अपॉन साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सर अभी निकाल सकते हैं,
साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, 35 और 55 90, ठीक है। इसकी वैल्यू सीधे आपको पता है क्या, टेबल में है ना 60 की वैल्यू, तो वहां से हम डालेंगे, बाकी क्वेश्चन सेम है। देखो एक को चेंज कर दो, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, इसको साइन 90 माइनस 55 है, 55 ये कहां से लाता हूं मैं, आप इतनी देर से सोच रहे होंगे सर ये किससे लिखते हैं, एक्चुअल में मैं करता क्या हूं, ये नीचे हिंट दे रखा है देखो 55। अब चेक करो 90 माइनस 55 का 35 होता है, और फिर भी समझ में नहीं आता है, तो आप सीधे इसको लिख सकते हो कि ये, इसको 90 में से माइनस कर दो 35, 90 में से 35 माइनस कर कितना बच रहा है, 55 अपॉन कॉस 55 एज इट इज, प्लस ऊपर किसी एक को चेंज कर दो, कॉस 90 माइनस 35 अपॉन साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2। प्लीज टेबल में से मेरे को कॉस 60 की वैल्यू बता दो, अपने पास टेबल जरूर रखना, टेबल में से कॉस 60 की वैल्यू बता दो, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगा देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, इसको थीटा की जगह 55 कॉस 55 लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस 55 का स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा, साइन 35 अपॉन साइन 35 का स्क्वायर, देखो ये 2 से 2 कैंसल, माइनस का 1, क्या बचा मेरे पास, माइनस का 1, इससे ये कैंसल, इससे कैंसल, 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, आंसर कितना आ गया 1। हम अब चीजों को एड ऑन करते जाएंगे, पहले मैंने सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताया, अब स्पेसिफिक एंगल एड हो गए, और अब आपके वो पुराने वाले फॉर्मूलेज भी एड होते जाएंगे। चलिए देखिए इसको लेवल को थोड़ा सा और अप करते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला कि सर कोट 12 डिग्री कोट 38 डिग्री कोट 52 डिग्री कोट 60 डिग्री और कोट 78 डिग्री। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, आप तो इजी कर देते हो और टिपिकल टिपिकल हमारे लिए दे देते हो, नहीं है ये टिपिकल, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आपके लिए चुटकियों का काम है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे, अरे दोस्तों मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक काम करो कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर बना दो, क्या 90 डिग्री हो रहा है, क्या चेक करो 12 और 78 क्या हो रहा है 90 डिग्री, तो आप इसको साथ में लिख लो कोट 12 और कोट ये सारे मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे ले सकता हूं मैं, 38 और 52 साथ में ले लो, कोट 38 और कोट 52 और बचा क्या कोट 60 डिग्री, इतनी चीज क्लियर है। मैं इसको यहां नीचे इधर कर रहा हूं, फॉर्मूलेज नहीं हटा रहा हूं क्योंकि अभी उनका हमारे यूज होगा, कोट 12 और कोट 78, ये देखो ये दोनों पेयर है 70 और 12 90, इसलिए मैंने इनको साथ में लिया, कौन से पेयर है, ट्रिग्नोमेट्री के पेयर है, आप लोग अपना दिमाग ना दौड़ाएं, मुझे पता है आप लोगों में से कोई पता नहीं कौन कौन से पेयर्स के बारे में सोचने लग गया। वैसे मैं आपके लिए एक बात भूल गया, हैप्पी अप्रैल फूल डे, आज अप्रैल फूल डे है और आप लोगों का दिन है, क्योंकि जितने भी महान साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हुए हुए ना, वो शायद एक बार उन्हें माना जाता है कि वो फूल दे, इसलिए एक छोटे से फूल के साथ आपको हैप्पी अप्रैल फूल डे। हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कौन से पेयर है, ये हस्बैंड वाइफ वाले पेयर नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, कोट 12 को एक एक को चेंज करो, कोट 12 इसको आप क्या लिखोगे, कोट 90 माइनस 78 इसको आप क्या लिखोगे, कोट 90 माइनस 78। सर ये कैसे लिखा आपने, ये कैसे लिखा बताऊं, ये हिंट दे रखा है देखो, इसका पेयर कितना है 78 का, तो 90 माइनस क्या होता है 78, अब 90 माइनस 78 12 बना रहा है, आगे वाला एज इट इज कोट 78, इस कोट 38 को चेंज कर दो, क्या आप इसको लिख सकते हो कोट
90-52, आगे हिंट दे रखा है, 90-52 चेक कर लो, 38 आ रहा है, यस आ रहा है, हम आगे मूव कर सकते हैं। कोट 52, कोट 60, यार कोट 60 की वैल्यू होती है क्या, क्या होती है, 1/, यस यस 1/√3, आप रिकॉल करो कि वैल्यू क्या होती है। हर बार कॉम्प्लीमेंट्री में हम एक ही क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, हर बार हम कॉम्प्लीमेंट्री में क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। कोट 90-78 क्या होता है, कोट 90-थीटा, देखो कोट 90-थीटा इक्वल टू 10θ। तो भैया बात इतनी है कि ये इसको हमने थीटा की जगह 78 है, कोट 90-θ 10θ, आगे का एज इट इज कोट 78 डॉट कोट 90-θ अगेन 10/52 इंटू कोट 52, और आगे का हमारे पास एज इट इज इंटू 1/√3। देखो अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में 1/10θ इक्वल टू क्या होता है, 1/cot θ, इसको आप लिख लो 1/cot θ। कैसे लिखूंगा, 10θ को लिख सकते हैं 1/cot 78। इसीलिए बोलते हैं फॉर्मूलेज याद होंगे तो हम मूव कर पाएंगे, आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। कोट 78 इंटू कोट 78 इंटू इसको लिख लो 10 को, कोट 52 इंटू कोट 52 और 1/√3 एज इट इज, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इक्वल टू 1/√3 इज द आंसर। कॉट इट, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या मैनेज किया। ये कुछ क्वेश्चंस थे जहां हमने बिल्कुल इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करा, ये सीबीएसई 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कहाँ आया हुआ है, सीबीएसई 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज उसको नोट कीजिए, क्या है वो क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप इन चीजों को नोट जरूर कर लीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन लिखिए आप, सबसे पहले मैं फॉर्मूलेज वापस पूरे कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साइन 90-θ इक्वल्स टू कॉस थीटा और कॉस 90-θ इक्वल्स टू साइन थीटा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको फॉर्मूले में लिखना है, आपको होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन है 10 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री एंड लास्ट ये 65 है एंड 10 85 डिग्री। ये आपको एक बार अपने लेवल पे क्या करना है, मैनेज करना है। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लेवल को अप करते हैं। क्या बोला, हटाऊं इसको एक बार, ठीक है। देखो जो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, 2/3 cos 4 30 माइनस साइन की पावर 4 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 कोट स्क्वायर 30 डिग्री। सर इसकी वैल्यू निकालो, निकाल लोगे क्या, अरे कॉम्प्लीमेंट्री का तो क्वेश्चन ही नहीं है, सीधे सबकी वैल्यू है, सीधे क्या है सबकी वैल्यू। ये अगेन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने की आपकी जिम्मेदारी। इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है आपके 113/24 113/24। ये वापस आपके लिए एक और होमवर्क। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाओ इसको। टाइप टू, ये इतनी देर टाइप फर्स्ट चल रहे थे, अब आता है टाइप टू। इतनी देर तो उसने क्या करा, वैल्यू को निकलाया था, अब आपसे वो एंगल की वैल्यू पूछेगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ उससे आपको ज्यादा क्लियरेंस होगा। उसने बोला क्वेश्चन में, अगर इफ cos 2 थीटा
नहीं, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री फाइंड a। देखो कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चंस का तरीका चेंज हो रहा है। बहुत इजी सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने तो क्या करा, इजी इजी कर लिए और ये हार्ड हार्ड हमारे लिए छोड़ दिए। छोड़ दो क्या आप लोगों के लिए? अरे बोलो, हाँ बोलो। नहीं, देखे कैसे मैनेज करते हैं क्वेश्चंस को। sec 4a equals to cosec a minus 20 degree, सबसे पहला काम। कल हमने एंगल निकालने वाला क्वेश्चन मैनेज करा था, प्रीवियस जो हमारा वीडियो था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको x की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन कराया था। कुछ रिकॉल करो क्या करा था उसमें, दोनों साइड को एक जैसा मैनेज करा था ना। तो बस वही काम हम करेंगे, इधर cosec है तो इधर भी क्या बनाऊंगा, cosec sec 4a sec theta को आप लिख सकते हो क्या, cosec 90 minus theta, sec theta को आप क्या लिख सकते हो, cosec 90 minus 4a। चेक करो 90 minus 4a, theta की जगह 4a आ गया। कैसे लिखा वापस चेक करो, ये लिखा हुआ है देखो फॉर्मूला, sec theta equals to cosec 90 minus theta। तो sec theta ये रहा, ये cosec 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 4 है, मैंने रिवर्स फॉर्मूला यूज करा इधर से, sec थीटा को क्या लिखा, cosec 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 4 है, ये एज इट इज cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec से cosec कैंसिल, 90 माइनस 4 है इक्वल्स टू a माइनस 20। सॉल्व करो, a को इधर लाओ, माइनस का 4 है, माइनस का इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस का 90, माइनस का 5 है और माइनस का 110, माइनस माइनस प्लस, ए इक्वल्स टू इसको नीचे लाओ 110 अपॉन 5, डिवाइड करो 5 से कैंसिल करो, 2 टाइम्स 2 22 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 22 डिग्री। कुछ समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आप में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आएगा। देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आप चाहो अगर मेरी स्पीड आपको थोड़ी सी तेज रख रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा मैं आपके साथ मूव कर सकूं। और फिर भी अगर तेज है तो आप उस वीडियो की स्पीड को स्लोवर कर दीजिए। यूट्यूब में जब आप ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है स्पीड को फास्ट और स्लोअर करने का, वहां से आप स्पीड को स्लोअर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, सेम क्वेश्चन है। क्या बोला उसने, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते थे काफी देर से, हमने उस एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मैनेज नहीं करा। देखो एनसीईआरटी फोल्डर से है ये, मेरा काम कंसेप्ट बनाने का है, आपका काम कंसेप्ट सीखने का है, अप्लाई आप करोगे। नहीं क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में फोटो के साथ वो आप डाल दीजिए, मैं आपका 100% आपको सॉल्यूशन दूंगा। sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, यहां से देखो आपको a निकालना है, यहां से आपको क्या करना है, अगेन a निकालना है। तो पहला काम थीटा निकालने के लिए, कोई भी एंगल निकालने के लिए दोनों साइड क्या करते हैं अपन, इक्वलाइज करते हैं। शायद ये तो वही क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन है, चेंज करो इसको। क्वेश्चन है tan 2a इक्वल्स टू कोट ए माइनस 18 डिग्री, कोट 2a इक्वल्स टू कोट ए माइनस 18 डिग्री। सबसे पहले हमें निकालना है फाइंड a, हमें क्या करना है a को निकालना है। चलिए दोनों साइड पहले इक्वल करो, इस tan को कोट में चेंज करो, ये tan कहाँ गया, ये tan, tan को कोट में चेंज करने के लिए tan क्या होता है 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, देख सकते हो फॉर्मूले आपके सामने, इस टेन को लिखो आप कोट 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री। गॉट इट, क्या करा वापस देखो, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, थीटा की जगह आया 2a, टेन थीटा इक्वल्स टू कोट 90 माइनस थीटा, कोट से कोट कैंसिल, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, मैनेज करके a निकालो, a को इधर लाओ, 90 को उधर ले जाओ, माइनस 2a माइनस a इक्वल्स टू
माइनस का 18 माइनस का 90 माइनस का 3a इक्वल्स टू माइनस का 108 माइनस माइनस प्लस a इक्वल्स टू 3 कहाँ जाएगा नीचे 108 अपॉन 3 तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 से डिवाइड करो 3 और 6 36 डिग्री आंसर। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन से चलिए ये हुआ कंसेप्ट का काम। एक क्वेश्चन मेरे लिए एनसीईआरटी का बच रहा है, मैं लगभग पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर कर दी है, एक क्वेश्चन मेरे लिए एनसीईआरटी का बच रहा है और किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कभी एग्जाम में भी आ सकता है। अभी रिसेंट जो सीबीएसई 2020 का पेपर हुआ उस 2020 के पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना इजी। मैं क्वेश्चन आपके सामने एक बार डिक्टेट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इफ क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव अभी आया है सीबीएसई 2020 में रिसेंट, किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी, बहुत इजी क्वेश्चन है। देन प्रूव साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आपको बहुत टिपिकल लग रहा है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए क्वेश्चन आपको बहुत टिपिकल लग रहा है, लेकिन चुटकियों का काम, एक बार आपने सीखा उसके बाद खुद से अप्लाई करो, वापस वीडियो को देखो, मेरी गारंटी आपको ये क्वेश्चन 100% आ जाएगा। चलिए सोचिए, दिमाग लगाइए कैसे करते हैं, ट्राई इट नाउ। ट्राई कीजिए, आया कुछ? हे स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स, कहाँ हो गए शर्मा जी, कहाँ हो गए? हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ, पीछे मत देखिए, अप्रैल फुल किसी और को बनाइए आप, मुझे क्यों बना रहे हैं? चलिए देखिए ट्राई करते हैं, बातें होती रहेगी। वैसे आप सबके डेडिकेशन को सैल्यूट करना चाहिए कि आपके सामने कोरोना वायरस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी उसके बाद भी आप लगे हुए हो अपने डेडिकेशन के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ, अपने ड्रीम के लिए। हर बार प्रॉब्लम्स आती है लेकिन आपको रुकना नहीं है, इसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट उसमें मेरी ऐड कर दीजिएगा, प्लीज़ फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अगर आपको नेक्स्ट टाइम मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो आपको पहले फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। चलिए देखिए, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव, अभी रिसेंटली आया है 2020 में। क्या करना है देखो, अब कोई कंडीशन नहीं, ना थीटा निकालना है, सिर्फ ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो चीज प्रूव करनी है उस पर फोकस करो। उसने क्या दिया, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है क्या? बोलो, होता है ना? यस, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीन एंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कहां से लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को एक साइड रहने दो, बाकी को एक साइड भेज दो, ऐसा लिख सकता हूं, इस ए को उधर भेज दिया, बी प्लस सी को एक साइड, बाकी को एक साइड। इसके आगे क्या है, इसका बी प्लस सी के नीचे क्या है, टू, तो पूरे को टू से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं इसको देख के कर रहा हूं। क्या इसको लिख सकते हो, बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू 180 माइनस ए अपॉन टू। एक बार सेपरेट करो तो इसको, बी प्लस सी अपॉन टू, देखो 180 में टू का सेपरेट कर रहे हैं, 90 माइनस ए बाई टू, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, 180 अपॉन टू। आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 180 अपॉन टू। अब यहां पे बी प्लस सी अपॉन टू आ गया, आगे क्या है, साइन है, तो आप एक काम कीजिए, लिख दीजिए टेकिंग साइन बोथ साइड। यहाँ पे क्या लाना है आपको, सिर्फ आर एच एस पे फोकस, एल एच एस पे फोकस करना, साइन आ रहा है ना, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, लीजिए साइन को बोथ साइड, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू, इसके आगे भी साइन लगा दीजिए,
साइन 180 माइनस 2 अपॉन ए बाई 2, ये पूरा एंगल है। चलिए साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 180 अपॉन 2 क्या होता है 90 माइनस ए बाई 2। अरे थोड़ी सी हेल्प करो, साइन 90 माइनस थीटा की जगह ए बाई 2 है, थीटा की जगह क्या है ए बाई 2। प्लीज पीछे फॉर्मूलेज देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस और थीटा की जगह क्या है ए बाई 2। चेक करो, यही प्रूफ करना था क्या, हैंस प्रूफ। इतना इजी क्वेश्चन था, बस मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बी प्लस सी एक साइड था इसलिए बी प्लस सी एक साइड रखा, ए को उधर भेजा, अपॉन 2 था इसलिए 2 से डिवाइड करा, फिर सेपरेट करा 180 अपॉन 2 को, 90 लिखा और साइन ले लिया दोनों साइड, दोनों साइड क्या करा साइन लिया, ये एज इट इज साइन 90 माइनस थीटा क्या बना कॉस थीटा बन गया। में वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको मैनेज करना है, नहीं आए तो आप एक बार वापस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कल फिर मिलना होगा आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ, इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो भी हम मैनेज करेंगे, लेकिन एक बार हम सारे टॉपिक सीख लेते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।